हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी एमकॉम के स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट का टाइम टेबल आ चुका है दोस्तों। एमकॉम का भी आ चुका है, एमए का भी आ चुका है, सेमिस्टर वन से लेके फोर तक के सभी स्टूडेंट का टाइम टेबल आ चुका है। फ्रेशर और रिपीटर दोनों स्टूडेंट का आ चुका है। लेकिन दोस्तों, मैं इस वीडियो में एमकॉम के बच्चों को कवर करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं एमए स्टूडेंट का टाइम टेबल बता दूंगा। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं एमकॉम सेमिस्टर 1, 2, 3 और 4, चाहे मैं फ्रेशर और रिपीटर स्टूडेंट दोनों की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, हम एक एक बार इंडिविजुअल देख लेते हैं कि फ्रेशर और रिपीटर का कब से टाइम टेबल चालू होने वाला है, सेमिस्टर 1 का कब एग्जाम है, सेमिस्टर 2 का कब है, सेमिस्टर 3 का कब है, सेमिस्टर 4 का कब है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक हल्के सपोर्ट से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, आप इधर देख सकते हैं, सेमिस्टर 1 फ्रेशर स्टूडेंट का बता रहा हूं दोस्तों। 28 मार्च से चालू होने वाला है, 10 अप्रैल तक चलने वाला है। बीच में एक अच्छा खासा आप लोगों को गैप दिया गया है एग्जाम के प्रिपेरेशन के लिए। पहला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, फिर इको है, फिर कोर्स अकाउंटिंग है, बिजनेस इथिक्स है। और आपका सब्जेक्ट कोड इधर दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट कोड आपको पेपर कोड याद रखना है, ठीक है, कि आपका सब्जेक्ट क्या है आपको इसी से पता चलेगा। अब बात करता हूं सेमेस्टर 1, लेकिन ये रिपीटर स्टूडेंट का एग्जाम है। सेम तारीख जो अपना फ्रेशर स्टूडेंट को दिया गया था, सेम तारीख है, सेम टाइम टेबल है। आपका सब्जेक्ट कोड देख लीजिए और वो आपके सब्जेक्ट कोड के हिसाब से आपका एग्जाम रखा हुआ है, सेम टाइम टेबल है। मैं सेमिस्टर 2 के बच्चों की बात कर रहा हूं। अब ये जो टाइम टेबल है, ये फ्रेशर और रिपीटर दोनों के लिए सेम है, ठीक है। इनका 29 मार्च से एग्जाम चालू हो रहा है, फिर सीधा 3 अप्रैल को है, फिर 6 अप्रैल को है और फिर 11 अप्रैल को है। मतलब बीच में तीन तीन चार चार दिनों का गैप दिया गया है। इनका पहला पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी चालू होगा, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक होगा, तीसरा कॉरपोरेट फाइनेंस होगा और चौथा इकोनॉमिक्स होगा। अच्छा, मैं एमकॉम के सभी स्टूडेंट को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मेरा जो वेबसाइट है सूरज पटेल एजुकेशन, इस वेबसाइट पे दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवा रहा हूं। यस दोस्तों, सेमिस्टर 1 की मैं बात करूं, सेमिस्टर 2 की बात करूं, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है, आप इधर क्लिक करके यहां से आप अपनी स्टडी कर सकते हो। दोस्तों ये देखिए, आपको इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन आपको मतलब मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 डाला हुआ है, तो मेरे पास क्वेश्चनों के लिस्ट है। अगर आप ये क्वेश्चनों के लिस्ट बाय करना चाहते हो तो दोस्तों बाय भी कर सकते हो, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज से ज्यादा भी कोई चार्जेस नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सेमिस्टर 3 की। दोस्तों सेमिस्टर 3 का जो एग्जाम चालू होने वाला है दोस्तों, ये फ्रेशर स्टूडेंट की बात करो, 28 से चालू होने वाला है, 10 अप्रैल तक रहेगा। इसमें जो छुट्टी दी गई है, ज्यादा दिन नहीं, एक एक दो दो दिन की छुट्टी दी गई है। दोस्तों आप लोगों का एडवांस अकाउंटिंग चालू होगा, बिजनेस स्ट्रेटेजी होगा, आप देख लेना आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट, आप अगर अकाउंटिंग के हो तो अकाउंटिंग का आपका रहेगा, जैसे कि पहला है अपना एडवांस फाइनेंस अकाउंटिंग, दूसरा अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, अगर अकाउंट के स्टूडेंट हो डायरेक्ट टैक्स है 31st को, देन अगर इंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट रहेगा अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो, फिर एडवांस कोर्स अकाउंटिंग या अकाउंटिंग के स्टूडेंट का है जो बिजनेस स्टडी से है, मैनेजमेंट का स्टूडेंट है तो उनका मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजी के, आप अपना तारीख देख लेना, क्योंकि तो दो दो मतलब आप ऐसा कंफ्यूज मत होना, 5 तारीख को ये भी है 5 तारीख को है, ये अकाउंटिंग के बच्चों का है, ये मैनेजमेंट के स्टूडेंट का है, ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों इधर 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल को इधर आपका अपना फाइनेंस एडवांस फाइनेंस का है और इधर आपका मैनेजमेंट का रूरल मार्केटिंग का है। दोस्तों ये सभी के भी इंपोर्टेंस मैंने पुट किए हुए, तो आप जाके देख सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं सेम 3 रिपीटर स्टूडेंट की। तो दोस्तों इनका 28 से चालू हो रहा है, 5 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। आप इधर सब्जेक्ट देख सकते हो, जो रिपीटर स्टूडेंट है, एडवांस फाइनेंस अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, डायरेक्ट टैक्स है, एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट है, एडवांस कोर्स है और लास्ट में आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक है, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सेम 4 की, जो सिर्फ फ्रेशर स्टूडेंट का है, रिपीटर स्टूडेंट का नहीं है। इनका एग्जाम 29 मार्च से चालू हो रहा है दोस्तों, 6 अप्रैल तक रहने वाला है।
अच्छा दोस्तों अभी इधर देख लेते हैं इनका जो पहला पेपर चालू। अच्छा टाइमिंग इधर आप देख लीजिए, टाइमिंग मैंने आपको टाइम टेबल के साथ ही दिखा रहा हूँ। टाइमिंग सभी का मतलब इधर देखिए सेम वन और सेम टू का टाइमिंग मॉर्निंग का है 10:30 से लेके 1 o'clock। लेकिन अगर मैं सेम थ्री की बात करूँ और सेम फोर की बात करूँ तो इनका टाइमिंग है दोपहर का 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक का, 2 घंटे का पेपर है। अच्छा आप सेम फोर का देख लीजिए, इधर कॉरपोरेट फाइनेंस अकाउंटिंग है। अगर आपका सॉरी मैनेजमेंट स्टूडेंट हो तो मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक का है। फिर अपना टैक्स है, आप लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स आएगा। फिर उसके बाद एडवांस ऑफ सेल्स ऑफ मैनेजमेंट का आएगा। फिर फाइनेंस मैनेजमेंट है और लास्ट में आपका मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप है। तो ये दोस्तों आप लोगों का टाइम टेबल था। आप सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक। मैं जितना हो सके आप सभी दोस्तों का स्टडी मटेरियल बना के मैं मेरे वेबसाइट पे पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ। खासकर अभी तक हमारा जो बना हुआ है वो सेम टू और सेम थ्री के बच्चों का बन चुका है। सेम वन और सेम फोर का मेरा काम चालू है, अभी तक पूरा बना नहीं है। आई होप सॉरी अगर शायद नहीं बन पाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बना के वेबसाइट पे मैं पुट करना चालू करूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से अपडेट आपको मिलते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो यार, अगर जो और लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।